हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिकुलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हम इसे पूरे तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके बारे में भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पूछा जा सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कह के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास क्या टॉपिक है और इसे कैसे समझेंगे इस पर भी बात करेंगे। बस एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक ही कंपाउंड के अंतर्गत दो एटम के बीच भी बन सकता है और किन्हीं दो डिफरेंट कंपाउंड के एटम्स के बीच भी बन सकता है। कहने का क्या मतलब है, अभी आगे चलते हुए हम इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी है तो उस लेक्चर को भी ज्वाइन करिए और आप लोग अपने तैयारी को धीरे धीरे करते हुए बेहतर बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब एक हाइड्रोजन एटम और एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़े होते हैं एक दूसरे से। समझना इस बात को, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से बनता है क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और वह हाइड्रोजन एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कहने का क्या मतलब है, आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कभी बन ही नहीं सकता। और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, मतलब कि यह बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है या फिर इसका जो पावर है वो बहुत ही कम होता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। ना तो यह कोवेलेंट बॉन्ड इतना मजबूत होता है, ना तो आयनिक बॉन्ड इतना मजबूत होता है और ना ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इतना मजबूत होता है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। और लेकिन यह भी ध्यान रखना बात कि यह हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस से स्ट्रांग होता है, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, आगे चलते हुए हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। यहाँ पर ध्यान रखिए क्या बातें मैं समझा रहा हूँ, कि एक हाइड्रोजन एटम की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। समझना इस बात को, जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, सपोज कर लेते हैं वो एक्स एटम हमारे पास है, ठीक है। X मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर X हमारा जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर बात किया जाए फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटम जो है उसे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और जो हमारे पास हैलोजन एटम जो प्रेजेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वह भी मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन, चूंकि यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो वह क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींचता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं खींचता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया और हमारे पास जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है और जो हमारे पास हैलोजन एटम है, इनके बीच जो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर हैलोजन एटम की तरफ चला आता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस जो हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और भी कंपाउंड आ जाए जिसमें भी सिमिलर हमारे पास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा हो, यानी कि अगर हम कहते हैं सेम ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आ गए और इस पर भी डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, इस पर भी डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, तो ये जब दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आएंगे वैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है जिसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा डॉट को बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो यह बना हुआ बॉन्ड होता है, जो यहाँ पर बना हुआ बॉन्ड है, इसी को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं क्लियरली तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना जरूरी है और साथ ही साथ हमारा उसके अपोजिट साइड में एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी है। वह हैलोजन एटम भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी एटम हो सकता है जो कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने यह भी देखा कि हमारे पास एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हैं और इन एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच ही एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। यानी कि अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि एक्स के जहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन है, तो यानी कि अगर हमारे पास HF कंपाउंड है तो इनके दो मॉलिक्यूल के बीच हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज बनता रहेगा। समझे इस बात को? और ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिनमें एक ही मॉलिक्यूल, ये तो मैंने एक कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर दिखाया, ऐसे भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच बॉन्ड बन जाता है। इसके बारे में भी हम आगे चलते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा होता है तो यह हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर हमारे पास पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब यह हाइड्रोजन एटम या पार्शली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे पार्शली नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के करीब आता है या संपर्क में आता है तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है जिसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा कि आप सभी से कहा कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के एटमों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग शुरू हो जाए, तो इस प्रकार का जो हमारे पास बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने यह भी कहा आप सभी से कि हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंतर्गत यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हमारे पास क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम जब आप सभी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बता चुके हैं तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनके टाइप्स पर बात करेंगे। ठीक, तो अब चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफिनीशन पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो बताया आप सभी को वही चीज़ें मैंने लिख भी दिया है कि जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है त
तब हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या अट्रैक्ट करता है, जिससे हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पर पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाता है, और यह पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम जो होता है वह जब किसी अन्य पार्शली निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से क्या होता है बॉन्ड बनाता है या उसके संपर्क में आता है, ऐसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब संपर्क में आएंगे तभी बॉन्ड बनेगा। तो जब वो उससे बॉन्ड बनाते हैं तो इसी तरह के ही बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास होता है उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने चीज़ों को समझाया तो यहाँ पर इसे हमें फिर से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसके अब हम एग्जांपल पर बात करते हैं और अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा डिफाइन करते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हमारे पास एक फ्लोरीन एटम हो गया, ये हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो अभी टेढ़ा होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास फ्लोरीन एटम, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास फ्लोरीन एटम, बॉन्ड बना हुआ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास फ्लोरीन एटम, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे हाइड्रोजन एटम और हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसे हम ऐसा क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर भी हम आगे चलते हुए बात करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस हाइड्रोजन एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस फ्लोरीन एटम पर पार्शली निगेटिव चार्ज होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज पार्शली निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन के संपर्क में आता है तो ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, ये हमारे पास ऐसे बॉन्ड हो गया, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास ये ऐसे बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे ही हम बॉन्ड को बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यह क्या है, फिगर है, किस चीज़ का फिगर है अगर बात किया जाए तो यह हमारे पास फिगर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारे पास इसका फिगर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। आप लोग चाहें तो इसे एरो भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि सर जी ऐसा क्यों बना रहे हैं, तो इसका इसके बारे में चलिए हम जब इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो हमने ये आप सभी को एग्जांपल दिया है यह भी हमारे एक स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी वो कैसे बनता है इस पर भी हम बात करेंगे, तो आप लोग पहले क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इनके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। अदरवाइज मैं तो सोच रहा था यहीं पर नीचे लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल स्पेस कम है तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। तो अब चलिए अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। समझते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें एक ही प्रकार का कंपाउंड हम लेते हैं, या फिर मैं कहूँ एक ही कंपाउंड को लिया जाता है, उसमें दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार के ही हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने लग जाते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंतर्गत मैंने इसके डिफिनीशन के बारे में बताया कि वह हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो डिफरेंट या फिर जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है उस प्रकार के ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल के तौर पर बात किया जाए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वह भी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम फिर से उसी एग्जाम्पल को बता सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, उससे अच्छा मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बता दूँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कुछ इस प्रकार से होता है, हर एक मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसे हम कहते हैं जिगजैग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच ये वाला जो बॉन्ड है, यही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये सभी चीज़ें हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन लिंक हैं, दो हाइड्रोजन लिंक हैं, तो पहला हाइड्रोजन इधर से लिंक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर से लिंक हो गया। ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, फिलहाल इसके हाइब्रिडाइजेशन पर हम नहीं बात कर रहे हैं, वो आगे चलते हुए हमारे टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पर हम बात कर लेंगे। और ये हमारे पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। ठीक है, देख लीजिए, एक ही हमारे पास कंपाउंड है, इसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ऐसे ही हमारे पास एक तीसरा मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, यहाँ पर H2O हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है यह हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है, और इस पर भी हमारे पास डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि यह दोनों के ही इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास सेम सिमिलर होता है, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस हो जाता है, ऐसे ही सिमिलरली डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। ऐसे ही और भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इधर भी लिंक हो सकते हैं, 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 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन से लिंक हो सकते हैं। ये तो बस एक जनरल सा सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बना कर दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा मैं लिंकिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये हमारे पास दोनों ही, कोई भी हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो उसमें पार्शली निगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज पार्शली निगेटिव चार्ज के, तो यहाँ पर एक हाइड्रो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और इसी बॉन्ड को ही हम कहने लग जाते हैं कि यह इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि यह एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बता भी सकते हैं कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है और ये जो हमारे पास बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके डिफरेंट मतलब दूसरे टाइप के हम हाइड्रोजन बॉन्ड पर बात करते हैं, जिसका नाम है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, जिसका नाम है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझते हैं कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका वर्ड है कि एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम के बीच हमारे पास क्या होने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही हम कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस इसका एग्जाम्पल है, जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ओ नाइट्रोफिनॉल, यानी कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया, और इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझेंगे तभी आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे पास हम क्या बताना चाहते हैं जब कह रहे हैं कि ऑर्थो, हम क्या बताना चाहते हैं जब हमारे पास इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन लिंक होता है और इस ऑक्सीजन से चूँकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना रहता है। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से नाइट्रोजन लिंक कराता है और इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड करते हुए एक ऑक्सीजन लिंक कराता है और इस ऑक्सीजन से और इस नाइट्रोजन से एक और ऑक्सीजन लिंक कराता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा और इस पर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर तो हमारे पास डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि यह एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड का यह एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाता है। क्या होता है, दो अलग अलग एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, यह हमारे पास बन जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपसे पूछा जाता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है तो सिंपल सा इसका लैंग्वेज है कि जब एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम्स के बीच हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने लग जाए तो उसी को ही हम कहेंगे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम अगर इसके डिफिनीशन पर बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा कि वह हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम्स के बीच बनता है उसी प्रकार के ही हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने ऑलरेडी समझाया है तो आप लोग इन दोनों के बीच डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा था, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम्स के बीच बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड सच में बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है लेकिन जब यह बॉन्ड फॉर्म करता है तो वह उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि यह भले ही वीक बॉन्ड है लेकिन यह बॉन्ड की कैटेगरी में तो आ रहा है ना, कमज़ोर है पर इंसान तो है ना, वैसे ही यहाँ पर कमज़ोर है पर बॉन्ड तो है ना, इसलिए यह उस बॉन्ड की उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यह बात किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन फिलहाल क्वेश्चंस को हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे। जब आप सभी को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं एंड साथ ही साथ इनके टाइप्स के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।